गाइज मुझे सुबह सुबह ना सेंचानर चौप के स्कूल के प्रिंसिपल ने कॉल की थी। मुझे लगता है ना कोई इन दोनों ने जरूर गड़बड़ कर दी होगी। ये दोनों तो अपनी नई साइकिल भी लेकर गए हुए स्कूल के अंदर। अब मुझे पता नहीं कि गाइज सेंचान के स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे क्यों कॉल किया है। अब ये स्कूल में ही जाकर पता चलेगा मुझे। गाइज वैसे आप लोगों को क्या लगता है उन दोनों ने क्या गड़बड़ की होगी? गाइज अगर आप लोगों को पता है, अगर सेंचानर चौप ने आप लोगों को बताया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। और मैं तो काफी स्पीड से ना गाड़ी भगा कर लेकर जा रहा हूँ। वैसे एक और बात बताता हूँ मैं गाइज आप लोगों को, सेंचान और चौप के स्कूल का प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मुझे लगता है या फिर मेरी क्लास होने वाली है या फिर सेंचान और चौप की क्लास होगी अच्छे से। चलो गाइज जल्दी से ना गाड़ी को भगाते और पहुंचते हैं स्कूल के अंदर। तो मैं तो पहुंच चुका हूँ गाड़ी भगा कर सेंचान और चौप के स्कूल के अंदर। ये क्या गाइज सामने की तरफ तो मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है? ये तो ना ही असेंबली का टाइम है और ना ही कोई ऐसा फंक्शन है स्कूल के अंदर, पर प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को जमा करके क्यों रखा है? मुझे लगता है ना मुझे इस गार्ड से पूछना पड़ेगा। अरे गार्ड भाई साहब चल क्या रहा है सामने की तरफ? देखो इस मीटिंग के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, प्रिंसिपल ने सख्ती से मना किया है। तुम खुद जाकर प्रिंसिपल से पूछ लो, हमारी ड्यूटी का खतरा रहता है और मैं तुमसे ज्यादा देर बातें नहीं कर सकता, मुझे अपने काम पर भी ध्यान देना है। गाइज ये क्या यार, ये बंदा तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गया। मुझे लगता है ना अब मुझे अंदर जाकर प्रिंसिपल से ही पता करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर रुक जाते हैं, बस इनका भाषण खत्म हो जाए उसके बाद ही गाइज मैं पूछूंगा प्रिंसिपल से कि उसने मुझे कॉल करके इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है। हाँ तो फ्रैंकलिन तुम आ गए, तुम्हें मैंने अर्जेंट इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुम्हें बताना था कि ये बच्चे तुम्हारे क्या कर रहे हैं आजकल। देखो सिंचन और चोप तो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे थे और हर साल क्लास में फर्स्ट पोजीशन भी लेते थे, पर इनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सिंचन चोप और राजू और जग्गू ये चारों के चारों मिलकर स्कूल में और क्लास में खूब मस्ती मस्ती करते हैं और इनकी वजह से ना काफी बच्चे तंग हो चुके हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स आकर ना हमारे पास शिकायत करते हैं जिसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। मुझे लगता है ना तुम पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों की ना तरबियत पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, वरना ये हो सकता है हम इन चारों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे, फिर तुम किसी और स्कूल में इनका एडमिशन करा सकते हो। अबे ये क्या गाइस, ये तो लॉस सैंटोस का सबसे अच्छा स्कूल है और सेंचान और चोप पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं स्कूल के अंदर। अरे ये सारे शरारते ये स्कूल के बाहर भी कर सकते थे। अब देखो ना गाइस कितनी बुरी क्लास हो रही है प्रिंसिपल से मेरी भी। मुझे पता नहीं था प्रिंसिपल इतने गुस्से में होगा। ठीक है सर जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। मैं सेंचान और चौप और राजू और जग्गू को पूछ लेता हूँ। सेंचान और चौप तुम लोगों की वजह से मेरी क्लास हो रही है। तो फ्रैंकलिन भैया क्या हुआ, वैसे भी आपकी क्लास तो घर में होती रहती है हमसे। अच्छा हुआ फ्रैंकलिन भैया को हमारी वजह से ना सही सुननी पड़ी, हम तो और भी मस्ती करेंगे, सेंचान खूब अल्ला गुल्ला करेंगे हम लोग। ये हुई ना बात, गाइस हम लोग ना तब से ज्यादा मस्ती करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग ना कुलकुल मस्ती करें और फ्रैंकलिन भैया की फिर से क्लास हो। और फ्रैंकलिन भैया मैं इन तीनों को रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये तीनों रुकते नहीं, इस वजह से मैं भी इनके साथ मिलकर खूब मस्ती करता हूँ। गाइस ये तो सुन ही नहीं रहे, हम प्रिंसिपल के सामने कहीं पर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है प्रिंसिपल सर, कल से ये ऐसा नहीं करेंगे, अगर फिर से किया तो फिर से मुझे कॉल करके बुला लेना। यार गाइस वो तो जा चुके हैं, सेंचान चौप भी जा चुका है और प्रिंसिपल भी और उनका टीचर भी। गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा। गाइस देखता हूँ यहाँ पर कैफेटेरिया हो तो थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी लेते हैं हम लोग। और बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो टोनी है ना, टोनी भाग कर क्यों जा रहा है उस साइड से? गाइस इसे हो क्या गया, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। टोनी उस साइड पर जा रहा है और मैं टोनी के पीछे, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो गया, मुझे पीछा करना पड़ेगा। अरे टोनी तो काफी स्पीड से भाग कर जा रहा है। गाइस ये तो वहाँ पर जाकर ही मुझे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ओके गाइस भाग कर तो वो उस साइड पर गया, मुझे जाना पड़ेगा। एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ, गाइस इस साइड पर तो पूरे के पूरे सुपर हीरो आए हुए हैं, मुझे जाना पड़ेगा इस साइड पर, मैं छुप जाता हूँ, ये हो क्या रहा है? गाइस सामने की तरफ टोनी है, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थोर और डॉक्टर स्ट्रेंज, ये पांचों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अच्छा हुआ तुम सब लोग वक्त पर पहुंच चुके हो, बस मैं ही थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं। तुम सब लोगों को बुलाने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है, हम लोगों को एवेंजर्स टीम को पावरफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, इसलिए हमें अगर उन्हें रोकना है तो हमें अपने सूट को सुपर हीरो गॉड सूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम लोग अपने सूट को सुपर हीरो के सूट के साथ कंबाइन करके एक गॉड सुपर हीरो सूट बना सकते हो। तुम लोगों के लिए मैं और भी आसानी कर देता हूँ, इस शहर के अंदर हल्क का सूट आया हुआ है, अगर तुम हल्क के सूट को थानोस के सूट के साथ और वेनम के सूट के साथ कंबाइन कर देते हो तो तुम एक गॉड सुपर हीरो सूट बना सकते हो।
इन तीनों सुपर हीरो के सूट का फ्यूजन काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है तुम सब लोग मेरी बात समझ चुके होगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को अर्जेंट यहाँ पर बुलाया है। बस ये सीक्रेट सुपर हीरो के दरमियान ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम लोगों से पहले वो उस सूट को हासिल करके गोट सुपर हीरो सूट बना सकता है। मुझे लगता है सारे सुपर हीरो अपने काम पर लग जाओ, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। ये हुई ना बात गाइस, ये सुपर हीरो तो जा चुके हैं और इनके जाते जाते मुझे ये पता चल चुका है कि ये सब कुछ होने वाला है। अब मुझे हल्का सूट ना कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद थेनोस का सूट, और गाइस लास्ट में हम लोग करेंगे कलेक्ट वेनम का सूट। अगर हम लोग इन तीनों सूट को ना कंबाइन कर देंगे, इनका फ्यूजन कर देंगे, तो गाइस बनेगा एक खतरनाक गॉड सुपर हीरो सूट। तो गाइस एक सूट कौन सा आने वाला है आप लोग देखना, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले हल्का सूट। और टोनी कह रहा था हल्का सूट इसी सिटी के अंदर है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, वैसे भी अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूट हासिल करने के बाद मैं सेंचान और चौप के स्कूल में पहुंच जाऊंगा। अच्छा जल्दी से भाग कर निकलते हैं, देखते हैं कहां पर मिलने वाला है ये सूट। गाइस मैं भाग कर तो सीढ़ी की तरफ आ चुका हूँ। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, अरे ऐसा क्यों लग रहा है सामने की तरफ कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है। गाइस एक ही इंसान की कमी है, और गाइस अगर वो आ जाता है तो ये चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस एक ही बाइक पड़ी हुई है जो कि खाली है। गाइस सामने की तरफ ये खतरनाक बॉडी बिल्डर, ये तो हल्क का हूबहू नजर आ रहा है, लेकिन हल्क तो ग्रीन कलर का होता है गाइस, लेकिन ये ह्यूमन हल्क तो नहीं, क्योंकि बॉडी देखो इसकी बिल्कुल एक खतरनाक किस्म का राक्षस है। और ये तीनों के तीनों जो इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, ये भी बॉडी बिल्डर। गाइस मुझे लगता है ना मुझे ये चैलेंज खेल लेना चाहिए, मैं भी इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, अगर तुम इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहती हो तो तुम्हें पता है कितना खतरनाक है ये चैलेंज। अगर ये चैलेंज जीत जाती हो तो तुम्हें हल्का सूट मिलेगा जो काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर हार जाती हो तो हमारी पूरी जिंदगी गुलामी करनी पड़ेगी तुम्हें, हल्का गार्ड बन के रहना पड़ेगा तुम्हें, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। तुम रेडी इस चैलेंज के लिए? अरे खतरों का खिलाड़ी हूं मैं रेडी हूं इस चैलेंज के लिए। तो देखते हैं गाइस ये तीनों मुझसे ये चैलेंज जीत पाती हैं कि नहीं। गाइस बस आप लोग एक छोटा सा काम कर दो, कमेंट सेक्शन में ना फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, ताकि गाइस मेरी पावर बूस्ट हो जाए और फिर मैं इन तीनों को सबक सिखा सकूं। तो गाइस मुझे लगता है ये चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। गाइस ये तीनों तो बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं और ये तो काफी स्पीड से निकले हैं अबे। ये क्या गाइस, इन तीनों को तो मैं निकलने नहीं दूंगा, मेरी बाइक भी काफी स्पीड से भाग रही है अबे, वो देखो फर्स्ट नंबर पर। गाइस कहीं पर ये आगे ना निकल जाए ये गाइस। ओके अभी बच गया गाइस, मैं इसे गिराने की कोशिश करता हूँ, ये लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली मुझे जाना पड़ेगा गाइस, फर्स्ट नंबर पर बैठी हूँ और इन तीनों को गाइस मैंने पीछे छोड़ दिया है। और गाइस ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया, और गाइस ये तीनों तो अभी पहुंचे हैं। देखा ना मैं हूँ काफी ज्यादा प्रो, तुम तीनों कुछ भी नहीं कर सकती। ये क्या, इसने हमें हराने की कोशिश की है, लगता है बबलू और राजू इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपनी बाइक से नीचे उतरो और इसका काम तमाम कर दो। ओके ये क्या, ये तीनों मुझे मारने की कोशिश करेंगे गाइस। गाइस अब लगता है ना अपनी पावर शो करानी पड़ेगी इन तीनों को। गाइस ये तीन और मैं अकेला, देखते हैं कौन जीता है। आ जाओ तुम लोग। गाइस एक को मारा मेरे और ये दूसरे को, और गाइस तीसरे को, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से मार गए। ये होती है रियल पावर, अब समझ लगा तुम लोगों को। गाइस सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो। ओके ओ माय गॉड गाइस आप लोग देख सकते हो ये हल्का सूट, फाइनली हल्का सूट मुझे मिल चुका है, चैलेंज मैंने फेयर तरीके से जीता है, इन दोनों ने भी देखा। तो गाइस मुझे जल्दी से हल्का सूट पहन लेना चाहिए, आप लोग रेडियो मेरे साथ 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस ये सूट तो मेरे पास आ चुका है, और सामने की तरफ देख लेते हैं पावर। अबे क्या ही जोर की लात मारी मैंने इसे, और इसे पंच। ओके कितना दूर जाकर गिरता है जिसे भी ये पंच पड़ता है। गाइस एक एक ही पंच इन सब लोगों के लिए काफी, और मुझे भाग कर देखना पड़ेगा क्या ही स्पीड से भाग रहा है हल्क। गाइस फाइनली मुझे हल्क और हल्की पावर मिल चुकी है, काफी दिनों बाद ऐसी पावर यूज करने के लिए मिली मुझे। और गाइस वही हल्का लॉन्ग जंप जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये हल्का स्मैश। ओके सब कुछ तोड़ दिया मेरी, अब मुझे भाग कर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है अब मुझे थेनोस के सूट को कलेक्ट करना है, और उसके बाद लास्ट में वेनम के सूट को। हल्का सूट तो मिल चुका है मुझे, अब मुझे थेनोस के सूट की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाग कर निकलते हैं गाइस, देखते हैं कि थेनोस का सूट मुझे कहां पर मिलता है। ओके गाइस मैं क्या स्पीड से भाग रहा हूं, एक मिनट में भाग कर तो इस साइड पर आ चुका हूं, ये सामने की तरफ चल क्या रहा है। गाइस ये लोग तो भाग रहे हैं,
और ये सामने की तरफ तो थेनोस का सूट है। गाइस मुझे लगता है मुझे थेनोस का सूट मिल गया, लेकिन ये थेनोस का सूट तो इसके पास है। चौपी मुझे हराएगा, उसी का मिलेगा थेनोस का ये सूट। पर कोई ऐसा माइकल हाल पैदा नहीं हुआ जो मॉन्स्टर हर को हरा सके। मेरे पास हल्क से कई गुना पावर है, मुझे हराने का तो कोई सोच नहीं सकता। आज तो मेरा खून खोल रहा है, कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए और अपनी मौत को बुलाएगा? सामने आओ जरा। अच्छा तो इसे मारने के बाद ही मुझे मिलेगा थेनोस का सूट, तो ठीक है। तेरी वजह से काफी लोग डर कर भाग गए हैं। ओके मैं लड़ूंगा तुझसे और जीतूंगा, देखता हूँ तेरे अंदर कितनी पावर है। चला आजा मेरे साथ, दो दो हाथ कर ले फिर। ये क्या गाइस, ये तो मुझे मारने शुरू हो चुका है। गाइस बड़े बुरे तरीके से पीट रहा है, मुझे लगता है ना इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा। अब मेरे पास भी काफी खतरनाक पंच है। ये मेरी गुस्से लाते जो कि मैंने शुरू कर दिए। गाइस अब मैं इसे उठने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि थेनोस का ये सूट तो अब मुझे ही चाहिए। गाइस क्या जबरदस्त तरीके से मार रहा हूँ मैं इसे। अबे भाई साहब ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। अबे उठना, तू तो कह रहा था तेरे पास ना हल्क से कई गुना ज्यादा पावर है। अबे गाइस इसके पास पावर है, ये तो मर चुका है मुझे लगता है। गाइस वाकई में थोड़ी बहुत तो पावर है, इतने पंच लगने के बाद तो लगता है ना कोई भी खतरनाक विलन मेरा दुश्मन मारा जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर हल्क तो मारा ही नहीं जा रहा। गाइस लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाइस इसे मैंने पकड़ लिया इसकी मुंडी से और ये ले खतरनाक तरीके से फेंका मेरी। और गाइस फिर पकड़ा, अब जब तक ये मरता रही है मैं ऐसे इसे उठा उठा के पटकूंगा गाइस। और फाइनली ये तो मर चुका है। अरे उठना, बस इतनी पावर थी तेरे पास क्या? गाइस मैं तो इसे घसीट घसीट कर फेंक रहा हूँ। फाइनली मुझे जाना पड़ेगा ये सामने की तरफ, ये थेनोस का सूट जो कि मुझे इसे मारने के बाद मिल चुका है। गाइस जल्दी से मैं सूट को पहन लेता हूँ, आप लोग रेडियो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस मेरे ये सूट पहन लिया, आप लोग देख सकते हो। और थेनोस का सूट तो मुझे मिल चुका है गाइस। लास्ट सूट अभी हमें कलेक्ट करना पड़ेगा और वो सूट है गाइस वेनम का। तो वेनम के सूट के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही गाइस। क्या ही खतरनाक तरीके से भाग रहे हैं और जंप करते हैं। ये देखो थेनोस की कितनी खतरनाक लॉन्ग जंप है। और गाइस आप लोगों को पता है थेनोस के पास गोंडलेट है और गोंडलेट के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है। अरे गाइस मैं सामने की तरफ ट्राई करता हूँ, इनके ऊपर बड़ा सा मेटियोर फेंकने की कोशिश करते हैं हम लोग। अरे ये भागकर कहाँ पर जा रहे हैं? ओके भाई साहब क्या ही खतरनाक पावर है गाइस, मुझे भागना पड़ेगा गाइस। लगता है ना ये लोग मारे जाएंगे बेकसूर, तो मुझे यहाँ से भाग कर निकलना चाहिए। क्या स्पीड से भाग रहा हूँ गाइस, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। और देखते हैं कि क्या होता है। ये लॉन्ग जंप तो काफी ज्यादा मजेदार है गाइस, देख सकते हो ये गाड़ी जा रही थी, इसे मेरे उठा लिया और फेंकते हैं। क्या ही दूर गई यार ये गाड़ी। तो एक मिनट गाइस, मुझे सामने की तरफ ना कुछ नजर आ रहा है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ये क्या सामने की तरफ गैंग और उनके पास एक टेलीपोर्ट मशीन। गाइस ये टेलीपोर्ट मशीन जहाँ भी होती है ना वहाँ पर बस आप लोग यही समझ लो कि कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है। हो सकता है गाइस ये चैलेंज खतरनाक और मैं इसे जीत सको। ओके ये क्या हो रहा है, मुझे भी इस चैलेंज के अंदर हिस्सा लेना है। ये चैलेंज खतरनाक है, अगर तुम इस चैलेंज का जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा वेनम का पावरफुल सूट। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हारे तो तुम्हें $10 million चुकाने पड़ेंगे। मुझे लगता है तुम्हें ये चैलेंज खेल लेना चाहिए। वैसे ये तुम कपड़े थेनोस के पहनकर सर्कस के जोकर लग रहे हो। गाइस शायद इसे पता नहीं है ये रियल थेनोस है और इस रियल थेनोस के अंदर है फ्रैंकलिन। ओके मुझे जाना पड़ेगा गाइस इस टेलीपोर्ट मशीन के अंदर। तो गाइस जल्दी से जाते हैं हम लोग, देखते हैं कौन से चैलेंज के अंदर पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो मैं रेडी हूं। तो गाइस मैं इस चैलेंज के ऊपर पहुंच चुका हूँ और ये है खतरनाक चैलेंज। तो गाइस इस चैलेंज का मुझे जीतना पड़ेगा। सामने की तरफ तो गाइस बड़े बड़े फुटबॉल रखे गए और ये बाइक इतनी ज्यादा छोटी है, अभी इससे भी छोटी बाइक पड़ी हुई है कहीं पर। ये आरसी बाइक तो नहीं है गाइस? आरसी कार का तो आपने सुना होगा, ये आरसी बाइक भी है। मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्या ही खतरनाक तरीके से ना गाइस, आप लोग देखा फुटबॉल को साइड पर कर लिया मैंने। अबे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक डंडा रखा गया है। गाइस अपनी तो बचत हो चुकी है, बार बार मैं गिरते गिरते बच रहा हूँ। गाइस बस किसी तरह करके ना इस वाली साइड से मुझे जाना है और ये जंप किया मैंने। गाइस ये सामने की तरफ ना खतरनाक किस्म का दरख्त काट के मुझे लगता है रखा गया है।
गाइस बस इसको थोड़ा सा धक्का लगाने आया था, ये सीधा का सीधा नीचे बल्कि खुद ही नीचे जा चुका है। गाइस आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से नीचे गिरा हुआ। आगे ये टायर रखे गया गाइस, इन टायर को भी गिरा दिया। मेरे साथ टकरते ही कितने ज्यादा दूर जा रहे हैं ये तो। अरे गाइस इस टायर को हो क्या रहा है, कभी एक साइड पे गिर रहे कभी दूसरी साइड पे। मुझे लगता है सामने की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। ये क्या गाइस, ये तो हल्क रखे गए हैं, हल्क की लाशों के ऊपर से मुझे जाना है। एकदम स्पीड से गाइस हम लोगों को जाना पड़ेगा और सामने की तरफ पहुंचना था हमें। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सामने की तरफ, अपनी बाइक भी गिर चुकी है बड़े बुरे तरीके से। ओके गाइस दूसरी बाइक को उठा लेते हैं हम लोग, थैंक गॉड चैलेंज के ऊपर ही गिरे हैं। गाइस बाइक गिरी है, हम लोग नहीं गिरे और हमें इस जगह से जाना पड़ेगा। तो रेडियो आप लोग गाइस देखते हैं कि क्या होता है हम लोगों के साथ। अरे गाइस बाइक तो काफी बुरे तरीके से गिरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें गिरने नहीं देना। गाइस मैं क्या स्पीड से जा रहा हूँ और अपनी बाइक को संभाल के लेके जा रहा हूँ, बस किसी तरह करके जाना है सामने की तरफ। ओके गाइस हम लोग जा रहे हैं, एक एक करके मैं जा रहा हूँ, बस अपनी बाइक गिर ना जाए गाइस, बस संभाल के लेकर जाना है अपनी बाइक को। और फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इस फिनिश पॉइंट पर। ये क्या, तो गाइस ये सामने ही रखा गया था वेनम का सूट, आप लोग देख सकते हो। जल्दी से इस वेनम के सूट को पहन लेते हैं, 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा, क्या ही खतरनाक तरीके से जंप कर रहा हूँ और ये वेनम की पावर भी मुझे मिल चुकी है। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अगर नहीं पता तो आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो गाइस, जिसमें हम लोगों ने ना स्पाइडरमैन सुपरमैन और गाइस लास्ट में फ्लैश के सूट को कम्बाइन किया था। और गाइस उस सूट को कम्बाइन करने के लिए हम लोग ना एक पोर्टल में गए थे। और गाइस फाइनली मुझे वही पोर्टल ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से मैं उसी पोर्टल की तरफ जा रहा हूँ। गाइस उस पोर्टल में जाने के बाद हम लोग एक गॉड सुपर हीरो सूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते हैं कि हम लोग कौन से गॉड सुपर हीरो में कन्वर्ट होते हैं। गाइस फाइनली मुझे जाना पड़ेगा, ये रहा सामने की तरफ पोर्टल, आप लोग देख सकते हो। गाइस मैं इसके पास पहुंच चुका हूँ और ये एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि गाइस मेरे पास तीनों सूट है तो मैं जल्दी से इसके अंदर जाने वाला हूँ। देखता हूँ कौन सा गॉड सुपर हीरो सूट बनते हैं हम लोग। गाइस फाइनली ये देख सकते हो आप लोग, फाइनली इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद मैं बन चुका हूँ गाइस ये गॉड सुपर हीरो सूट में। गाइस क्योंकि मैंने दो खतरनाक किस्म के राक्षस के सूट और एक सुपर हीरो सूट को कन्वर्ट किया था, इसलिए गाइस मेरे शोल्डर पर स्पाइक्स और शक्ल काफी खतरनाक दिखाई दे रही है, कोई भी मुझसे डर जाएगा गाइस आप तो। और फाइनली ये कितना ही ज्यादा पावरफुल सूट है, इसके अंदर तीनों पावर है गाइस, थेनोस की, हल्क की और गाइस वेनम की। तो मुझे जाना पड़ेगा गाइस, क्या ही खतरनाक लॉन्ग जंप की, ये है हल्क की पावर और ये रही गाइस वेनम की पावर, और गाइस ये रही थेनोस की पावर, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ कितना ही खतरनाक किस्म की पावर गिराई मेरी। तो गाइस आप लोगों को कैसे लगा ये सूट कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ सेन चैनल चोप को लेने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।